नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना होगा। जो लोग समाज सेवा करते हैं और कोई महान कार्य करते हैं तो संसार में उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस नोबेल पुरस्कार के पीछे कहानी भी बड़ी विलक्षण है और वो शिक्षाप्रद भी है। अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत सारी खोज की। उन्होंने ही डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट निर्माण कार्य और किसी बिल्डिंग को गिराने दोनों में काम आता था। लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। 1888 में उनके भाई की मृत्यु हो गई। समाचार पत्रों में छपा गलती से कि डायनामाइट के आविष्कारक की मृत्यु और फिर आगे लिखा कि मृत्यु के सौदागर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब यही खबर खुद की मृत्यु की अल्फ्रेड नोबेल ने अखबार में पढ़ी तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या मेरी इतनी खोज के बाद, मेरी मृत्यु के बाद ही मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, जबकि उन्होंने बहुत सारी खोज की थी और डायनामाइट की खोज भी बहुत ज़रूरी थी। तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। उन्होंने कहा मैं मृत्यु के बाद ऐसे ना पुकारा जाऊं, तो अब मैं शांति के दूत बनकर कार्य करूंगा। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक ऐसे ट्रस्ट के नाम की जिसका कार्य मानव समाज और मानव कल्याण के लिए था। बाद में उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के नाम से उन्हीं की संपत्ति को लेकर के ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। प्रत्येक वर्ष जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, लोगों के शांति के लिए कार्य करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोगों के विचार बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। विचार बदलने पर एक मृत्यु का सौदागर, एक शांति का अवधूत बनकर सामने आता है। सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमने देखा है कि एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर, लेकिन उसके विचार बदले और विचार बदलते ही वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। प्यारे बच्चों, सब कुछ हमारे विचारों पर है। सबके विचार बदलें तो जीवन बदल जाएगा। थैंक यू सो मच।